हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारा नया वीडियो है। देखो, आज हम यहां पे सीखेंगे बीएसटी क्लास 12 नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से पार्ट टू वीडियो। यहां हमारा पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड, उन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करेंगे। हमारा टाइटल वाइज रहेगा, मतलब कि हेडिंग वाइज हम यहाँ पे मेन देखने वाले हैं। ठीक है, पहला है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है अचीव करने में ग्रुप गोल, जो हमारा एक सुटेबल गोल हम जो प्रिपेयर करते हैं कि हमें इस ऑब्जेक्टिव को कैच करना है, इस चीज को अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने में हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट। ठीक है, इसे कंट्रीब्यूशन कह सकते हो आप एम्प्लॉय को, अपने मोटिवेट कर सकते हो आप अपने एम्प्लॉय को, हमें आज इस गोल को हमें जैसे कह सकते हो सेल डिपार्टमेंट वाली मतलब लोग हैं उस काम करते हैं। ठीक है, आपको कहा जाएगा कि आप 1 लाख नहीं 2 लाख का सेल करो, तो पूरे ग्रुप का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, पूरे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है कि हमें फोकस करना है, हमें ज्यादा ज्यादा मतलब मेहनत करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम सेल कर सके। ये हमारा ग्रुप अचीवमेंट हुआ। ठीक है, चलो एक एग्जांपल इसका भी हो गया। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। सही बात है। देखो, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वाले में भी देखा था कि मैनेजमेंट जो होता है इंक्रीज करता है एफिशिएंसी। कैसे? देखो, ऑप्टिमम यूज ऑफ यूटिलाइज, मतलब ऑप्टिमम रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, पहली बात। ठीक है, कम कॉस्ट में ज्यादा ज्यादा अच्छी चीजें हम यूज कर सकते हैं। और देखो, वेस्टेज हमें कम करनी होती है। सबसे मेन यही होता है कि हम कम से कम वेस्टेज में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और कम से कम कॉस्ट में, ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा देर तक टिके, वो ज्यादा मांग हो उसकी, ज्यादा डिमांड हो उसकी, और उसकी ज्यादा से ज्यादा हम सप्लाई कर सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? हम नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं, हमारे कंप्यूटर अपडेट्स में नए आ गया, एनवायरमेंटल अपडेट्स आ गए, हमारे पॉलिटिकल अपडेट्स आ गए कि आज हमें इतने लीगल वे में इतना काम कर सकते हैं। लीगल एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट चेंज होता है ना, इसे डायनामिक प्रोसेस होता है, एक जैसा नहीं होता। देखो, जरूरी नहीं कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है एक जैसा ही रहे, सुटेबल है, कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, उस केस में हम क्या करेंगे? देखो, डायनामिक चेंजेस होते रहते हैं, न्यू अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो कि हमारा मैनेजमेंट डायनेमिक प्रोसेस होता ही है, हमें हर जैसा हर सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए। ठीक है, चलो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब हम अपने ग्रुप ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस करते हैं तो वहां पे हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव आता है। कैसे? आप अगर ज्यादा ज्यादा मेहनत करोगे तो आपका भी डेवलपमेंट होता है। अगर आप अपने आप को बेटर फील कराते हो, जैसे आप पहले से और मेहनत किया, ठीक है, जैसे आप किसी चीज में मेहनत करते हो, आपकी राइटिंग मान लो एज ए एग्जाम्पल अच्छी नहीं है, ठीक है, आप उस पर फोकस करोगे, आप उस पर मेहनत करोगे, आप अपनी राइटिंग को सुधारोगे, तो उससे क्या होगा, आप अपने अंदर का पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी क्रिएट किया, आप उसको इंक्रीज किया, आप उसको अच्छे अच्छा बनाने की कोशिश किए, है ना। ये है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आपने आपको खुद बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एज अ देखो, मैंने पहले भी बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, हर एक चीज है, हर एक चीज को रिलेट करते हुए चलना बहुत इजी पड़ेगा आप सभी को। देखो, पहली वाली वीडियो आप अगर ना देखा हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी जाके देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को देख के। मैंने बिजनेस स्टडीज की और भी वीडियोस लगातार तो मैं तो लाता ही रहूंगा, तो वहां से भी आप वो भी देख सकते हो, पार्ट वन भी, पार्ट सेकंड भी देख लेना। ठीक है, आप अपने सोसाइटी की तरफ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। जितने भी मैंने पहले भी बताया था ना, उस केस में क्या बताया था कि अगर एक कंट्रीब्यूशन करते हैं मैनेजर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो कुछ मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, याद है आपको, नेताजी वाला, कि कुछ अपने से डिमांड करता है सोसाइटी कि आप मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, तो उस समय ना बात हो जाती है उनके बीच, है ना। वैसे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है, सोसाइटी के लिए हम करते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे एक याद करने की ट्रिक याद कर लेना। यहाँ पे देखो, मैनेजमेंट हेल्प, मैनेजमेंट इंक्रीज, मैनेजमेंट क्रिएट, मतलब देखो स्टार्टिंग में सब में मैनेजमेंट है पहले ही। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होगा, मैनेजमेंट पहले में लिखना है, इंपॉर्टेंस में शुरुआत, देखो हेडिंग शुरुआत ऐसे ही करना है। फिर मेन मेन वर्ड क्या रहा है, HICHH। अब इसको याद करेंगे ट्रिक कैसे कर सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के, तो क्या कर देना है यहाँ पे एकदम ठीक से, देखो याद करेंगे हमारा एकदम क्लियर भी आप समझना, हम इतने करीब हुए हैं, इजली हम इतने करीब हुए हैं, पॉइंट भी भूलोगे नहीं, स्टेप वाइज आपको याद रहेगा कि इतने इजीली वे मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज को, हर एक तरीके से याद करने का तरीका बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखो आप सभी लोग, हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम ही था नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो अब देख लो नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इनके 3 नेचर्स होते हैं, पहला होता है मैनेजमेंट एज अ साइंस, दूसरा है मैनेजमेंट एज अ आर्ट, तीसरा होता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखो,
पहला ही हमारा साइंस। देखो एज अ साइंस अगर आप मैनेजमेंट को लेते हो तो लॉजिकल माइंड पे हम बेस्ड होता है कि हम लॉजिकली किसी चीज़ पे सोचे, फैक्ट पर सोचे, किसी इवेंट पर। हम देखो नॉर्मली हम हर एक चीज़ को ना अपने प्रैक्टिकल वे में लेना ज़्यादा पसंद करेंगे एज अ माइंड थिंकिंग में सोचे हो तो, ठीक है। माइंड थिंकिंग हमारा अलग हो गया कि आप सोच लो उस चीज़ को सिर्फ, और किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करना लॉजिकली आप उस चीज़ को मतलब प्रेजेंट करते हो, फैक्ट और इवेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हो, तो वो चीज़ में हमारा आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस में। अब मैनेजमेंट एज अ आर्ट उसका ठीक उल्टा होता है। देखो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब कि एक पूरा नॉलेज उस बारे में, पूरा नॉलेज चाहिए होता है किसी एक टॉपिक। अगर आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप उसके बारे में शुरू से लेके एंड तक हर एक चीज जानने की कोशिश करोगे, उसे जानना पसंद करोगे, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जानना पसंद करोगे, उस बारे में हर एक चीज जानना, ठीक है। और हमें देखो यहाँ पे क्या चाहिए, रिक्वायर स्किल्स, स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होनी चाहिए उस चीज़ में। देखो किसी चीज़ में आप कोई भी काम अगर प्रेजेंट करते हो उस चीज़ को, आपके पास अच्छे स्किल्स होने चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छे से आप उस काम को परफॉर्म कर सको, इतनी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना, तब आता है हमारा मैनेजमेंट एज अ आर्ट, ठीक है। लास्ट वाला देखो सबसे अच्छा है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आप किसी प्रोफेशन को लेकर आगे बढ़ो, किसी प्रोफेशन में ज्यादा मतलब फोकस करो, जैसे कि सिस्टमैटिक नॉलेज, आपके पास सिस्टमैटिक नॉलेज तो होनी चाहिए, बट उस स्पेसिफिक चीज के ऊपर आप ट्रेनिंग लेते हो, है ना। जैसे कि आप कंप्यूटर पे ले सकते हो एज अ कोई प्रोफेशन से, टीचरिंग पे। टीचरिंग में क्या होता है, आप धीरे धीरे पढ़े, फिर उस चीज को सीखे, फिर उस चीज को आप सिखाने लायक हो गए, आप उसको बताने लायक हो गए, आप अपनी बातों को समझा सकते हो, तो ये मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कहलाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पूरे इस बिजनेस स्टडीज बुक में क्लास 12th में, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में आना ही आना है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना एंड तक देखना वीडियो को, ठीक है। अब देखो हमारा लाइन से टॉपिक्स कौन कौन से होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, प्लानिंग करना। हमें करना क्या है ये तो पता होना चाहिए, है ना, कि हमें जैसे आप कहीं किसी चीज़ के लिए प्लान करते हो कि आपको पिकनिक में जाना है, मगर ये तो सोच के रख लो कि हमें जाना कहाँ है, तो ये होता है प्लानिंग, कि हमें जाना कहाँ है उस चीज़ को पहले से प्लान करके रखना, ठीक है। क्या कपड़े लेके जाना है, क्या हम खाएंगे वहाँ पे, मतलब होता है ना नॉर्मली हर चीज़ हम प्लान करके रखते हैं, तो वो प्लानिंग होता है, मतलब कि डिसाइडिंग इन एडवांस। हम अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं उसको पहले से ही सोच के रख लेते हैं कि उस प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से चीज़ें, टेक्निक्स, कौन कौन से टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम सोच के रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में होता है डिसाइडिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ डिपार्टमेंट। अब हम देखो जब सोच लिए हमें इस प्रोडक्ट पे फोकस करना है, तो उसके बाद देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट उसके लिए जरूरी है। मान लो किसी प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है, मान लो बनाएंगे, जैसे कि आप बना सकते हो फ्रूट जूस बनाते हो, ठीक है, उसके लिए हमें सेल डिपार्टमेंट चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट चाहिए अलग अलग, अब उसको प्रोडक्ट डिजाइनिंग डिपार्टमेंट चाहिए अलग से, उसका एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग चाहिए कि उसको कोई एडवर्टाइजमेंट का अलग से प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करे कोई, वो चाहिए उसको बेचे, ठीक है, अलग अलग उसका सेल डिपार्टमेंट का होता है, तो अलग अलग चीजें हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए हम फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं, उसको अलग से बनाते हैं, ठीक है। फिर है स्टाफिंग, सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय एज असाइनिंग ड्यूटीज। अब क्या करेंगे, अब तो सोच लिया कि इस काम में इस साइड इस डिपार्टमेंट में इन लोग को रखना है, अब क्या करना है काम, कुछ लोगों को, कुछ एम्प्लॉय को जो उस काम में स्पेशलिस्ट हैं, अब उनको वो काम दिया जाएगा, अब उन लोगों को काम वो हम देंगे, प्रोवाइड कराएंगे कि आप इस काम में आप परफेक्ट, आप ये काम करो, आपको सेल डिपार्टमेंट अच्छे से कर सकते हो, आप सेल डिपार्टमेंट करो, ठीक है। उनको ड्यूटीज, उनके जो जो ड्यूटीज है, उनका जो काम है, उनको वो काम बताएंगे कि आप इस तरीके से इस काम को करो, ठीक है। फिर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब कि मोटिवेटिंग सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज। आप क्या करोगे कि मोटिवेट करोगे उन लोगों को, आप जिन लोगों को आपने अपने अंडर रखा है एज अ एम्प्लॉय, जो लोग भी, आप उनको मोटिवेट करोगे, आप अपने काम में बेहतर कर सकते हो, आप और ज्यादा सेल कर सकते हो, आप और ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हो, आपकी सैलरी और बढ़ा दी जाएगी, इस तरीके से मोटिवेट नहीं करते, तो वहां पे ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टिंग के अंडर में आता है, और उन चीजों को सुपरवाइजिंग मतलब सुपरवाइज करना। देखो अब उन लोगों को हम सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे कि उनसे गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है, उनके हर एक काम को सुपरवाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि हमसे कोई गलती ना हो, वेस्टेज ना हो पाए, ठीक है। तो देखो कंट्रोलिंग हमारा डिफरेंस इन एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ डिफरेंस द प्लान परफॉर्मेंस। देखो हम यहाँ पे मेन डिफरेंस देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जितना हमने सोचा था पहले वाला, उसके बाद जितना हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस जो परफॉर्म किया, ठीक है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। हमने जो सोचा था उससे ज्यादा हमने कर लिया, कि जितना हम सोचा था उससे कम हो पाया। जैसे कि आप सोच सकते हो कि आप
आपने सोचा था इस साल हम 10 लाख का सेल करेंगे, आपने किया 9 लाख का सेल, तो डिफरेंस कितना है, 1 लाख का सेल। तो ये हमारा बताता है कि कंट्रोलिंग, एज एग्जाम्पल मैंने लिया कि आप सोच सकते हो कि आप इस परफॉर्मेंस पे आप इतना सोचे थे बट आप इतना ही अचीव कर पाए, इसका मतलब कि आपको और जरूरत है, और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कि आज हमारा डिजायर गोल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, उस चीज पे हमें और मेहनत करनी है, और जितना भी हमने जो सुपरवाइज किया था पिछले केसेस में उन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पे गलती हो रही है वो गलती हम दोबारा ना दोहराए। तो यार अब जल्दी से आगे के कुछ टॉपिक्स भी देख लेते हैं। अब देखो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे जरूरी है ये जानना आप सभी के लिए कि मैनेजमेंट सिर्फ एक लेवल पे नहीं होता, मैनेजमेंट के डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स होते हैं। हम सिर्फ एक जगह मैनेज नहीं कर सकते, उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, अलग अलग लेवल पे डिवाइड करते हैं कि उस काम को अच्छे से मैनेज किया जा सके, हर किसी तक काम पहुंच सके और इजिली वे में हम सभी काम को कर सके, समझे। चलो सबसे पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग सबसे इजी वे में सबसे मस्त वही लोग होते हैं, जो समझ लो भाई। देखो उनका काम खाली होता है किसी को गाइड करना, उनको खाली समझाना, वो मेन काम वो परफॉर्म नहीं करते हैं, खाली वो देखते हैं उन लोगों को काम करते हुए कि वो सही वे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब वो लोग होते कौन कौन है चलो देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिनको आप सीईओ के नाम से जानते हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, सीएफओ होते हैं, या फिर होते है हमारे, देखो नेक्स्ट है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, वो भी हमारे जितने भी मतलब सीनियर्स होते हैं ना वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब क्या है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में देखो कौन कौन से लोग आते हैं, परचेज या फिर सेल डिपार्टमेंट हेड, परचेज के या फिर सेल डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं ना, जो कि सेल डिपार्टमेंट को संभालते हैं। देखो हर एक चीज को पार्टली डिवाइड किया गया है ना, इनको काम इतना दिया जाएगा, इनको काम इतना दिया जाएगा, इनके अंडर में और सब हेड्स होते हैं जो कि और उनसे नीचे वो वाले मतलब लोग होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं जो उनके कहने पे काम करते हैं, वो हमारे लो लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, वो भी बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनके ऊपर जो होते हैं ना, जो सब हेड होते हैं उनके ऊपर वाले लोग जो होते हैं ना, जो मैनेज करते हैं एक पर्टिकुलर काम को, या सेल को देखेंगे या परचेज को देखेंगे, तो उन लोगों को हम कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। देखो कौन कौन आते हैं और मार्केटिंग मैनेजर्स आते हैं जो मार्केटिंग का मैनेजमेंट चेक करते हैं, फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं जो फाइनेंशियल वे मतलब फाइनेंस को देखते हैं अपनी कंपनी के कि कितने आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा है कैश का, ठीक है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बाद में पढ़ेंगे, अकाउंट्स क्लास 12 में है हमारा, तो वहां पे आप देखोगे ना इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का देख सकते हो, ठीक है। फिर है लास्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया उसमें आता है सुपरवाइजर्स आते हैं, सब हेड आते हैं, ठीक है, जैसे कि सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, छोटे छोटे लोग जो होते हैं जो मेन काम को परफॉर्म करते हैं, जिनका मेन काम वही होता है। देखो मेन काम करने वाले यही होते हैं, बाकी सब लोग काम देखो देते हैं, ठीक है, या फिर मैनेज करते हैं, मेन काम जो परफॉर्म करता है वो नीचे सबसे लो लेवल वाले लोग करते हैं। तो यार अब अपने वीडियो का लास्ट टॉपिक आ चुका है, इसको भी ध्यान से पूरा सुन लो, हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप बस एक बार बुक को रीड कर लोगे ना, तो आपका फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का दावे से मैं कह सकता हूँ पूरा तैयार हो जाएगा। फिर यानी कोई डाउट अगर कोई आपको फंसता है कोई डाउट तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। देखो लास्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हर कोई जानता है, कोऑर्डिनेशन का एक सिंपल मीनिंग बताऊं, यूनिटी। यूनिटी चाहिए होती है हमें हर काम को प्रेजेंट करने में। अगर आप अपने हर एक फंक्शन को अगर मैनेज करते हो, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अभी मैंने बताया, अगर सारे फंक्शंस को अगर मैनेज करते हो ना, तो हर काम में आपको एक बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। अगर आप मान लो सबसे पहला स्टेप करते हो प्लानिंग करते हो, फिर स्टाफिंग करते हो, उन स्टेप्स में आपको कोऑर्डिनेशन अच्छा चाहिए, मतलब तालमेल दोनों के बीच अच्छा होना चाहिए। हिंदी में मैं बोलूँ तो दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, ठीक है, हमारा इक्वल वे में होना चाहिए। ये नहीं ये ज़्यादा हो गया तो ये कम हो गया, ऐसे नहीं, आपका इक्वल होना चाहिए। इसलिए हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता, कोऑर्डिनेशन हम उसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ अ मैनेजमेंट, एक एलिमेंट होता है। एग्जाम में आपसे ये एक वन वर्ड आंसर में जरूर से पूछता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है, तो ये लिख के मत आ जाना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कह देना एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ अ मैनेजमेंट या एसेंस। देखो मैंने यहाँ लिख दिया था पॉइंट वाइज, देखो आंसर को ना पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करोगे बहुत ही मजा आएगा, रट्टा मत मानना, समझ लो कि वो शब्द कह क्या रहा है आपसे, इतना ही समझ लो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बाकी सब, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये पहले एसेंस कह सकते हो और एलिमेंट ऑफ अ मैनेजमेंट होता है, और क्या होता है ब्रिंग यूनिटी ऑफ एक्शन,
कोऑर्डिनेशन हमारा एक यूनिटी फॉर्म करता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने में, किसी भी तरीके का अगर आप मैनेजमेंट का फंक्शंस भी अगर करते हो तो सब काम में हेल्पफुल होता है, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे वो आपका डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, या आपका प्लानिंग हो, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कुछ भी आप करते हो ना, हर काम में आपको एक यूनिटी चाहिए होती है हर काम को करने में, ठीक है। फिर है ग्रुप एफर्ट, बिल्कुल सही बात है। देखो हमारा किसी काम को करने में से मैंने बताया कि एक ग्रुप एफर्ट चाहिए, एक अकेला बंदा सारा काम नहीं कर सकता, एक अकेला बंदा अकेले ही कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर सकता, उसके लिए हमें ग्रुप एफर्ट चाहिए, एक देखो यूनिटी चाहिए कि हमारा काम मैनेज वे में हो सके, तालमेल अच्छा बना रहे, बिगड़े ना काम, देखो वेस्टेज ना हो सके, इसलिए हम कोऑर्डिनेशन को यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा कोऑर्डिनेशन जो होता है काफी, वो देखो पहली बात तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसको आपको करते रहना है। जैसे हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो सारी चीजें हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आप प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, स्टाफिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोलिंग में रुक जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। वहां भी आप क्या करोगे, फिर से प्लानिंग करोगे, नई चीजें प्लानिंग करोगे, कुछ नए आइडियाज लाओगे, कुछ नया इनोवेशन आप सोचोगे, कई कुछ नए नए इनोवेटेड आइडियाज आप सोचोगे, अपने जूनियर से बात करोगे, अपने सीनियर से बात करोगे अगर आप मिडिल मैनेजर हो, ठीक है, उस केस में। फिर क्या करोगे, परवेसिव फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। देखो कोऑर्डिनेशन जो हमारा होता है वो हर स्टेज पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप जिस जगह, जैसे कि मैंने बताया अगर आप मान लो टॉप लेवल मैनेजर हो, ठीक है, तो वहां पे भी आपको बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजर हो तब भी आपको बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए, अगर लो लेवल वाले हो तब भी आपको बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए आप सभी के बीच, कि हमको यूनिटी में काम करना, हमें ग्रुप एफर्ट में काम करना है ताकि हमारा एफर्ट हमारे गोल को लेके अचीव कर सके, ठीक है। देखो फिर उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया आप सभी के लिए कोऑर्डिनेशन का, ये देखो मेन फॉर्मूला ही यही होता है कि हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्यों? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए पहली बात, तो हमें सबका ग्रुप एफर्ट में सारे लोग चाहिए, ह्यूमन एफर्ट चाहिए उसमें, और परचेज डिपार्टमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट, फिर सेल डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारे पास पैसे होने चाहिए ना, हम अपने कंपनी संभाल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है हमारे कंपनी, कंपनी को मैनेज करने के लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है, पार्ट सेकंड का यहाँ एंड करते हैं हम, और इस चैप्टर का भी। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपके लिए ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट जरूर से जोड़ दिया आपकी खुशी के लिए कि आप सभी मेहनत करो, ठीक है। और भी सब्जेक्ट आते चले जाएंगे, और भी सब्जेक्ट में ऐड करना होगा करूंगा, आप सभी बता देना कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, कौन से बहुत जरूरी है आप सभी के लिए बता देना, मैं वो भी ले आऊंगा आप सभी के लिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से।